माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन द सिक्स्थ वीडियो फिजिक्स फॉर क्लास टेन चैप्टर नंबर फोर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वी आर हियर टू स्टडी इन दिस वीडियो द टॉपिक व्हिच इज़ रूल्स फॉर ऑप्टेनिंग इमेजेस फॉन बाय कनकेव मिरर्स कनकेव मिरर्स में इमेज फॉर्म जब होगा तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करेगा वही रूल्स हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पहला रूल रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लैक्शन अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किससे पास करेगा फोकस से अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा तो उसको डायग्राम में बनाते हैं ये रहा हमारा एम एम डैश ए ऑफ मिरर कन के मिरर ये हम पढ़ रहे हैं अभी एक रे ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल में ये रे जा रहा है तो अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वह किससे पास करेगा फोकस से यहाँ अगर फोकस है तो इसी से पास करना है अगर एक रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसको आपको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर देना है यानी कि अगर हमारे पास ये फोकस है प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर एक रे पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये किससे पास करेगा इसी फोकस से ये इस तरह से आपको बना देना है तो ये एक रूल है क्या है रूल रे मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकेंड रूल रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाता है जैसे अगर ये हमारा मिरर है एम एम डैस है तो ये रे ये इंसिडेंट रे के लिए एरो दिया गया है तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो मिरर से टकराया यहाँ पर और टकराने के बाद फिर उसी रास्ते पर वापस चला गया ये रहा इंसिडेंट रे और वही रहा फिर रिफ्लेक्टेड रे तो अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से पास होते हुए मिरर पर फॉल करेगा तो वो उसी रास्ते पर वापस चला जाएगा सेकेंड रूल है थर्ड रूल रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लैक्सन अगर एक रे फोकस से पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगा कब रिफ्लैक्शन के बाद तो ये रे फोकस से पास कर रहा है ये एरो बता रहा है कि यही है इंसिडेंट रे मीटर की तरफ आ रहा है ये तो ये रहा रे जो कहाँ से पास हो रहा है फोकस से रूल क्या कहता है ये पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद तो जैसे मिरर से टकराएगा ये पैरेलल हो जाएगा इसके पैरेलल। ये और ये पैरेलल हो जाएगा अगर एक रे फोकस से पास होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद फोर्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रे विच फॉल्स एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस एक रे जो पोल पर फॉल होता है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा तो सेम एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा जैसे ये रे इंसिडेंट रे है जो कहाँ फॉल कर रहा है पोल पर तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये एंगल और ये बराबर हो जाए ये रहा इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे पोल पर जब फॉल करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर एक्स डिग्री बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ x डिग्री का ही एंगल बनाएगा अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री तो क्या हुआ यहाँ कंसेप्ट कि अगर एक रे पोल पर फॉल करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मतलब ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर जितना एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर उतना ही एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पोल पर उतना ही एंगल बनाएगा तो ये सबसे इम्पॉटेंट रूल था ये चारों रूल एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है चारों रूल्स का यूज करेंगे तभी हमको इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा जो हम आगे पढ़ने जाएंगे ये सिलेबस में है Thank you students for watching this video.